हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियर कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर। तो जैसा कि स्टूडेंट, हमने हिस्ट्री की लास्ट क्लास में एमसीक्यू कराए थे, अभी उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट एमसीक्यू कराएंगे। आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चनों के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? ऑप्शंस हैं ए कैप टाउन, बी डरबन, सी जोहान्सबर्ग या डी प्रिटोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी प्रिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस यानी INTUC, बी भारतीय मजदूर संघ केंद्र CITU, सी अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC या डी भारतीय मजदूर संघ BMS। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भारतीय मजदूर संघ केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्वतंत्रता की माउंट बेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी मौलाना आजाद या डी आचार्य JB कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? ऑप्शन है 1905, बी 1907, सी 1909 और डी 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1900, इसका राइट आंसर होगा बी यानी 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ए अरविंद घोष, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक या डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? ए कौटिल्य, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती या डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था ए असहयोग आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या जी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? ऑप्शंस हैं ए बर्ट्रेंड रसेल, सी लियो टॉल्स्टॉय, सी एल्बर्ट आइंस्टीन, डी खान अब्दुल गफ्फर खान। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर, बी भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव, सी
ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार या डी पूर्व स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन है 1943 में, बी 1944 में, सी 1945 में या डी 1946 में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी विश्वास करते हैं। ऑप्शंस हैं ए साधन अच्छे बन जाते हैं यदि वो साध्य को पूरा कर दें, बी साधन और साध्य एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, सी साधन ही साध्य का निर्धारण करते हैं, डी साध्य ही सब कुछ है चाहे साधन कोई भी और कैसे भी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, साधन ही साध्य का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पहुंच देना किसने घोषित किया था। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक या डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्य में कोपा आंदोलन शुरू हुआ था। ए पश्चिमी बंगाल में, बी महाराष्ट्र में, सी बंगाल में या डी मध्य भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पश्चिमी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूला भाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आजाद हिंद फौज IANA के कर्मियों का लाल किले के मुकदमे में उनका बचाव था जो उन्होंने किया था। ऑप्शन है ए 1943 के अंत में, बी 1944 के अंत में, सी 1945 के अंत में या डी 1946 के अंत में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1945 के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, बी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, सी सुभाष चंद्र बोस और पीसी जोशी, डी सैफुद्दीन किचलू और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्तावों के संबंध में है। ऑप्शंस हैं ए साइमन कमीशन, बी क्रिप्स मिशन, सी कैबिनेट मिशन, डी वेवल योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है वीर की अहिंसा, बी दुर्बल की अहिंसा, सी डरपोक की अहिंसा या डी पद दलित की अहिंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वीर की अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था। ऑप्शंस हैं ए विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, बी भारत में अतीत में शक्ति का विकेंद्रीकरण था, सी देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था, डी विकेंद्रीकरण सांप्रदायिक को रोक सकता था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था।
ऑप्शंस है ए रामायण, बी द न्यू टेस्टामेंट, सी भगवत गीता या डी कुरान शरीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? ऑप्शन हैं ए मोतीलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसके क्रम दे रखे हैं ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है चोरा चोरी और इसके क्रम दे रखे हैं ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी फर्स्ट थर्ड और सेकंड, सी सेकंड फर्स्ट और थर्ड और डी थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए जनवरी, बी मार्च, सी अगस्त और डी दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या है? ऑप्शन है वैसा शासन जैसा राम के समय में था, बी शुद्ध नैतिक प्राधिकार पर आधारित जनता की प्रभुसत्ता, सी सभी का अधिकतम हित, डी संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सभी का अधिकतम हित। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी किसकी कृतियों में अत्यधिक प्रभावित थे? ऑप्शन है ए बर्नार्ड शो, बी कार्ल मार्कस, सी लेनिन या डी लियो टॉलस्टॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? ऑप्शन है राज नारायण बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी स्वामी विवेकानंद या डी आचार्य विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राज नारायण बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच हुआ? तो इसका ऑप्शंस दे रखे हैं ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना है, बी लॉर्ड इरविन, सी सुभाष चंद्र बोस या डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए 1928, बी 1930, सी 1931 या डी 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से सत्याग्रह के प्रमुख साधन कौन से हैं? ए फर्स्ट है असहयोग, बी हड़ताल, सी प्रदर्शन या चार सविनय अवज्ञा। तो इसका ए है फर्स्ट और सेकंड सही है, बी ए और फोर्थ सही है, सी दूसरा और चौथा सही है, सी तीसरा और चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी फर्स्ट और फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? ए नेहरू, बी अंबेडकर, सी महात्मा गांधी और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या इकबाल।
तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन से भीमराव अंबेडकर, बी एम मालवीय, सी वल्लभ भाई पटेल, डी गांधी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? ऑप्शन है मशीनों का उन्मूलन, बी ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, सी अहिंसा को अंगीकार करना, सी न्यासिता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, न्यासिता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? ऑप्शन है ए पंजाब, बंगाल और पंजाब, बी पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सी मद्रास और मध्य प्रांत, डी बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बंगाल और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया था? इसके ऑप्शन है 1919, 1927, 1934 और 1942, और इसका लास्ट ऑप्शन है नन। तो स्टूडेंट, इसमें कमेंट में हमें बताएं कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट किया, तो ये आपको कमेंट में बताना है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी थॉमस हॉब्स, सी चार्ल्स डार्विन या डी लियो टॉलस्टॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929, 12 मार्च 1930, सी 5 मार्च 1930 या 5 मई 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है ए लाहौर कांग्रेस, बी बेलगाम कांग्रेस, सी इलाहाबाद कांग्रेस या डी हरिपुर कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लाहौर कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? ऑप्शन है ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी ज्योतिबा फूले, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद या डी मौलाना आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन सेम ए 1935, बी 1931, सी 1929 या डी 1932। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी लोकप्रियता के कारण पेशी यार कहा जाता है? ए सी वी रमन पिल्ले, बी सी एन मुदालियर,
सी ई वी रामास्वामी या डी एल रामकृष्ण पिल्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ई वी रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? ऑप्शन है नील, बी मिल मालिकों, सी ताऊन यानी प्लेग, डी भूमि के नए निर्धारण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए दीनबंधु मित्र, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी नवीन चंद्र सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? ऑप्शन है 1947 में लाल किले की प्राचीर से, बी 1929 में लाहौर के रावी के तट पर, सी जब भारत 1950 में प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन गया, डी जब 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1929 में लाहौर में रावी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में चटगांव के सरकारी शास्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी सूर्य सेन, डी सुखदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? ऑप्शन है ए गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, बी हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, सी नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, डी चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था? ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी रास बिहारी बोस, सी मोहन सिंह या डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ऑप्शन है ए वर्ष 1928 में लाहौर में संडरसन की हत्या के कारण, बी काकोरी षड्यंत्र घटना के कारण, सी 18 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या डी लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया था? ऑप्शन है के कामराज, बी भक्त वत्सलम, सी राजा जी या डी टी प्रकाशम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी टी प्रकाशम। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।